हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और मैं सभी एचएसबीटी के स्टूडेंट को अपनी तरफ से भाई सॉरी कहना चाहता हूं, जो काफ़ी टाइम के बाद, लगभग मान लो आज जो ये मैंने वीडियो लगभग 12 से 13 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोग कहते हैं देखो जब अच्छा करोगे तो बसरते गोयल जी मुझे गाली देते हो, ठीक है त्याल जी गाली देते हो, एचएसबीटी के आपके टीचर गाली देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेके, आपको मैं शुरुआत से कहता हूँ। लेकिन आप लोगों ने अब की बार दिखा दिया जो नहीं, अगर मैं बच्चों के सपोर्ट में रहता हूँ तो बच्चे भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करते हैं, या वो ऊपर के मन से हो या अंदर के मन से हो वो अलग बात है, किसी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे या कोई खुद के, मतलब हर टाइप का सपोर्ट। आज मैं 12 दिन के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, इस बीच में मैं बता देना चाहता हूँ लगभग हर दिन कम से कम 20 से 25 बच्चों के ये कॉल आते थे, सर कहाँ हो, वीडियो नहीं आ रही है, कहाँ रह गए, कुछ ऐसा हो तो नहीं गया। इन सभी को देखते हुए लगा जो नहीं, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे को भी लगता है जो हाँ भाई चैनल रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवरात्रि की वजह से मैं होम टाउन गया था और समझ रहे हो नवरात्रि में वैसे फास्ट का टाइम है, बहुत कुछ ऐसा रहता है, काम पूजा, एक साल में तो एक ही बार तो पूजा करता हूँ तो वो भी थोड़ा अपने आप को भी देखना पड़ता है। तो इन सभी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज आया हूँ। और आज के बाद ऐसा कोई अपडेट नहीं है मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ए टू जेड अपडेट आप सभी बच्चों तक पहुँचेगा। और अभी भी मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चों के कॉल या मैसेज आ रहे हैं जो भाई अभी तक थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के क्लासेस कॉलेज में ये कह के नहीं लिया जा रहा है, जो भाई तुम्हारे पास कोई हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ए टू जेड चीजें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मत घबराओ, अब रिटर्न हो गए हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं कैसे नहीं कॉलेज में क्लासेज स्टार्ट। इसी पे कुछ बोल दूं तो फिर गोयल जी एंड टीके त्याल जी कहते हैं बच्चों को भड़काते हैं, अभी तक साले क्लास नहीं ले रहे, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना तो राजेश गोयल सर बोलेंगे ना टीके त्याल सर बोलेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं यार। अभी एग्जाम का टाइम आ जाए तो सबसे पहले आके कहेंगे बेटा पेपर ऑफलाइन दो, पढ़ाते समय तो हम क्लास नहीं लेंगे जी, लेकिन पेपर लेते समय हम ऑफलाइन इसलिए लेंगे ताकि हमें बच्चों की कंपार्टमेंट डालने, बच्चों के कंपार्टमेंट के पैसे से हमें बोर्ड चलाना है, यही हो ही रहा। अगर ऐसा रहता, अगर इनके मन में रहता जहां पे बच्चा काबिल बने, तो बच्चा एग्जाम देके काबिल ही बनता है, बच्चा पढ़ने से बनता है। और पढ़ाते समय इनके अक्सर कॉलेज में बता देना चाहता हूं 80% ऐसे कॉलेज है, बताओ अगर मैं रियल अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप लोग बताओ, 80% ऐसे कॉलेज है जहां अभी तक क्लास को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और इन्होंने एक दो महीने पहले ही, आप लोग जाके चेक करो तो इन्होंने बता दिया भाई, पूरा कैलेंडर दे दिया फरवरी में पेपर और अभी तक क्लासेज नहीं ले रहे। तो छोड़ो ये इन लोगों की सोच, अब ज्यादा कहना मेरे लिए सही नहीं है। अब आओ जो सबसे मेन टॉपिक है, मार्कर की वजह से आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, आज आए हूँ इस वजह से बच्चे थोड़ा मार्कर में इंक भी सारा खत्म है, चलो करते हैं कल से। मेरा क्या कहना है, जो अक्सर बच्चों के एक तो रिजल्ट को लेके जो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, सर रीअपीयर रिजल्ट कब तक आने के चांस है। देखो बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास आज से कुछ टाइम पहले जो अपडेट आया था उस अपडेट के अकॉर्डिंग अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आज आए हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता अभी तक बोर्ड के बारे में ना कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। तो मेरा कहना यही है, जो मेरे पास जो प्रीवियस जो अपडेट है उस अपडेट के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लास्ट अक्टूबर तक आने के चांसेस है, ये बात आप लोग समझ लो। अब बोलोगे सर लास्ट अक्टूबर मतलब 25 से लेके 28 तारीख तक आप लोगों के रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के चांस है। अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, क्योंकि राजेश गोयल सर या टीके त्याल सर या एचएसबीटी के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सभी को ये बात पता है, जो भैया बीटेक में लास्ट एडमिशन का डेट 30 अक्टूबर तक रखा गया है, अगर उससे पहले इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो मैं कह देना चाहता हूं कंपार्टमेंट के किसी भी बच्चे का, या आपकी एक में कंपार्टमेंट हो या आपकी पांच में कंपार्टमेंट हो, आप लोगों का एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। तो इन सभी को देखते हुए मुझे जहां तक लगता है जो ये 28 तारीख तक लास्ट 28 तक ये आप लोगों का रिजल्ट दे देंगे, 90% चांस है मैं अभी बता देता हूं, और 10% ऐसा भी हो सकता है जो ये आपके रिजल्ट नवंबर भी लेके चले जाए। लेकिन ये 10% में अगर गेम फंस गया तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे आपकी बार कंपार्टमेंट में पेपर दिए हैं सबका एक साल ऐसे बर्बाद होगा। क्यों, देखो एचएसबीटी पे मुझे इसलिए विश्वास है, 25 से 28 तक रिजल्ट दे देंगे, आप प्रीवियस रिजल्ट जाके चेक करो, जब बच्चों के अभी एग्जाम हुए थे उस एग्जाम को खत्म होते ही
पांच से सात दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, मैक्सिमम सात से आठ दिन के अंदर, तो यहां पे तुमके पास काफी टाइम है, हो सकता है रिजल्ट दे भी दे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहां तक लगता है जो 25 से 28 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आने का 90% चांस है, 10% ये लेके चलो। अगर इनके दिमाग में ये बात नहीं होगा जो भाई बीटेक में लास्ट एडमिशन का डेट 30 अक्टूबर है, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर भी कर दे, वो इनकी मर्जी है भाई, क्योंकि इनके सामने किसी की नहीं चलती है, क्योंकि ये अपनी मनमानी करते हैं। क्लासेस हम लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पेपर हम ऑफलाइन लेंगे, क्यों लेंगे वो तुम जानते ही हो। उसके बाद है सर रिजल्ट कैसा रहने वाला। देखो भाई एक बात समझ लो, सबसे पहले तो रिजल्ट की बात जो आती है, तो जिन भी बच्चों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी सही करके आए हो, आज ध्यान से सुन लो, जो भी बच्चे सेक्शन ए और सेक्शन बी बिल्कुल करेक्ट करके आए हो, तो आप लोग कंफर्म हो जाओ, आपको फेल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कॉन्फिडेंस से, अरे मेरे बाबू जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, सेक्शन ए और बी मिला के आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं, और मैं 3 मार्क्स तुम यहां उधर से भी नहीं ले सकते, मुझे ये बताओ, शर्म की बात है। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे कॉलेज में कहा गया है 50-50, ये गेम चल रहा है, अभी भी मैं बता देता हूँ एचएसबीटी में समझ लो 50% कॉलेज ये कह रहे हैं जो तुम्हारा सेक्शन बी है वो 1 मार्क्स का है, और 50% कॉलेज कह रहे हैं सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, और मैं सपोर्ट किसका कर रहा हूँ, जो कॉलेज ये कहता है जो सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब बोलोगे सर आप ये ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ही बताओ, जो लास्ट जो अपडेट आया था पेपर पैटर्न को लेके, जो आप लोग देखो 3/8/2021 को, इसमें कहा गया है जो सेक्शन ए है 1 नंबर का, सेक्शन बी है 2 नंबर का, सेक्शन सी है 6 नंबर का, और सेक्शन डी है 10 नंबर का। इसके बाद आप लोग ही मुझे बताओ, जो क्या कोई भी पेपर को लेके, कोई भी पेपर को लेके ये नोटिस आया है क्या जो सेक्शन बी 1 नंबर का है, मुझे तुम लोग बताओ। इसी नोटिस में ये कहा गया था जो सेक्शन ए में एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू है या नहीं ये क्वेश्चन में है, जब इसमें कहा गया था जो भाई सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अभी रिपेयर वाले में एमसीक्यू क्वेश्चन आया, और इसी में जब ये कहा गया है जो भाई सेक्शन बी 2 नंबर का है, तो हमारा सेक्शन बी 2 नंबर का क्यों नहीं होगा, आप ही मुझे जवाब दो। अगर ये कॉलेज कहता है जो भाई सेक्शन बी तुम्हारा 1 नंबर का है, तो इन कॉलेज वालों को बोलो, जो बाबू मेरे, मेरे सोना, मेरे बच्चे, ऐसे जाके बोलो जो 3/8/2021 के नोटिस में जो सब आया था, आप जाके पढ़िए उस नोटिस में, उसमें लिखा गया है सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए, इसी नोटिस में एमसीक्यू क्वेश्चन आए या नहीं आए 100% आए, सेक्शन बी में ये कहा गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, हो सकता है एमसीक्यू भी आए या नहीं आया ये भी आया, सेक्शन सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहा था या नहीं कहा था वो भी आया, सेक्शन डी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो भी आया। अगर पेपर पैटर्न इस अकॉर्डिंग चला, तो भाई मार्किंग क्या हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे क्या, या इसी अकॉर्डिंग मार्किंग होगा, मुझे बताओ। अगर बेटा मेरे सेक्शन बी तुम्हारा 1 नंबर का हो गया, तो मैं अब की बार भी आपको बता देना चाहता हूं, जैसा रिजल्ट अभी आया था उसी अकॉर्डिंग सारे बच्चे फिर ढेर मिलोगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसलिए प्रेशर डालो, और इनको पता है अगर इन्होंने इस अकॉर्डिंग नहीं किया, तो आपको पता है इस बार तो बहुत रास्ते हैं, वो तो पिछला वाला गेम था मेरे से खेले नहीं गया, कहती नहीं क्या, जब इंसान बुद्धि भ्रष्ट होती है सब कुछ ही गलत होता है, लेकिन अब की बार इसलिए अगर इन्होंने सेक्शन बी में 2 नंबर नहीं दिया, तो इनका नोटिस और सेकंड बहुत कुछ ऐसा है, मैं कहते नहीं क्या, जो गलती मैंने पहले की वो गलती अब की बार करना मेरे लिए गलत होगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चलो अब देखते हैं ये क्या करते क्या नहीं। तो अब बच्चे सर पेपर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चेक होगा, क्यों नहीं होगा भाई मुझे ये बताओ। काफी बच्चे कह रहे जो सर हमारे कॉलेज वाले कह रहे जो सेक्शन बी 1 नंबर का क्यों है भाई 1 नंबर का, जब तुम इस अकॉर्डिंग तुम एमसीक्यू दे रहे हो, इस अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो, इस अकॉर्डिंग तुम पेपर पैटर्न सेट कर रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग तुम मार्किंग क्यों नहीं करोगे मुझे जवाब दो। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या समझा, सेक्शन बी 2 नंबर का है, सेक्शन ए 1 नंबर का, सेक्शन सी 6 नंबर का है, सेक्शन डी 10 नंबर का है, एक क्वेश्चन ही सेक्शन डी में करना था। जो बच्चे अधिक लिख के आए हो घबराओ मत, जो कम करके आओ वो भी मत घबराओ, पास 100% हो जाओगे, ये बात हमेशा, लेकिन ये अभी से दिमाग में डाल लो सेक्शन बी 2 नंबर का है, जिसको जो करना है करे। उच्च अधिकारी अब दिमाग में उनके घुस गया होगा, फिर आया फिर अब परेशान करना स्टार्ट, तो कैसे छोड़ दे गुरुजी ऐसे, अभी तो आप लोगों का बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ मुझे भी देखना है, सेक्शन ए बी सी डी कितने मार्क्स का है बाबू टोटल मिला के, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले 100 नंबर का, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले 80 नंबर का। अब बात आती है सर पेपर पैटर्न किस अकॉर्डिंग रहेगा, जो मैंने बताया जाके पढ़ लो 3/8/2021 वाला नोटिस, उसी अकॉर्डिंग हर कॉलेज को कॉपी चेक करना पड़ेगा। अगर किसी के बच्चे का कॉपी वो उस अकॉर्डिंग चेक नहीं करते, तो हमारे पास हजार तरह के रास्ते हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर पैटर्न बदला नहीं था, आप लोग जाके देखो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देख बच्चे अब कोई भी बात, इनको लगता है मैं बेवकूफ की तरह आके बोल जाता हूं, इनको लगता है
है ना, क्योंकि ये भी मेरी वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं और मैं इनकी सच्चाई बता देता हूँ। तो मेरा कहना क्या है, आप लोग जाके देखिए जो आपके पेपर हुए थे अभी रिसेंटली, जो पेपर खत्म हुए कुछ टाइम पहले, जो सिक्स सेमेस्टर के जिसमें सिर्फ पेपर हुए थे, तो उसमें क्या था, मेरी बात को ध्यान से समझना, सेम पेपर जैसा आपका अभी है उसी अकॉर्डिंग आया था। मतलब क्या है, सेक्शन ए में ये लिखा हुआ नहीं था जो पेपर क्वेश्चन एक नंबर का, बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन एक नंबर का। सेक्शन बी में भी एक नंबर का ही था, लेकिन इन्होंने नोटिस में लिखा था जो सेक्शन बी दो नंबर का है, और उन्होंने उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं दिया है जिस नोटिस में ये कहते हो जो सेक्शन बी तुम्हारा एक नंबर का है। आप मुझे बताओ, मुझे ही बताओ, क्या कोई नोटिस है क्या ऐसा? अगर है तो मेरे तक भेज दो, मैं इनको वीडियो के माध्यम से सॉरी मांग लूंगा। किसी ने नहीं नोटिस दिया, ना तो राजेश गोयल सर ने, ना टीके त्याल सर ने, इन्होंने यहां तक किसी कॉलेज में भी नोटिस नहीं भेजा है जो सेक्शन बी एक नंबर का। और एक बात बता देना चाहता हूं, अगर सेक्शन बी एक नंबर का हो गया तो इस बार भी फिर वैसे कंपार्टमेंट आएगी जैसे अभी तक आती रही, ठीक है। उसके बाद सर बीटेक एडमिशन लास्ट डेट सभी बच्चों को बता रहा हूँ, 30 अक्टूबर से पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, यूजीसी अपना पोर्टल मेरे अकॉर्डिंग बंद कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को कंप्लीटली देख के मुझे लगता है सभी बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट पकड़ो, ये सभी बातों को अफवाह मान के सबसे मेन कॉन्सेप्ट, मैं हर वीडियो में एक ना एक कोई थ्योरी दे जाता हूँ आपको, एक हमेशा याद रखो सेक्शन बी दो नंबर का है। और पेपर कैसे चेक होगा, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने 3/8/2021 में जो पैटर्न को बदला है उसी अकॉर्डिंग हमारे कॉपी चेक होने चाहिए। अगर इस अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो फिर इसका रास्ता जैसे चाहे हम करेंगे भाई, सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो लाएंगे। जीत 100% नहीं होगी, अभी तक 50-50% हम जीतते ही आए हैं, आगे भी जीतेंगे, देखो कैसे नहीं होता है। तो ये सारा अपडेट था, तो आई होप सभी बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।